नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कोरोना काल वह समय था जब पूरे भारत की जनता ने विभिन्न परेशानियों का अनुभव किया था, चाहे वह आमदनी के बारे में हो या आवागमन के बारे में हो, सभी लोग किसी न किसी परेशानी से गुजरे ही हैं। रेलवे के द्वारा उस समय कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सारी ट्रेनों का संचालन रोक दिया था तथा लंबे समय तक जो बंद रहा था, इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले थे। बाद में संक्रमण कम होने पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, लेकिन स्पेशल के रूप में उन्हें चलाया गया और अनारक्षित कोचों को आरक्षित के रूप में, सेकंड सीटिंग के रूप में बुक किया जाने लगा। तो उसी को अपडेट करने के बारे में रेलवे का एक परिपत्र कल जारी हुआ था, जिसमें कि द्वितीय श्रेणी सामान्य यानी कि मेल एक्सप्रेस के जनरल टिकटों के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। संक्रमण काल के यात्री गाड़ियां बंद होने के बाद रेल यात्रियों ने विशेष गाड़ियों के विशेष किरायों का दौर झेला है। अब लगभग सारी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में सामान्य किराए लागू हो गए हैं, लेकिन सवारी गाड़ियों के किराए और मेल एक्सप्रेस में सामान्य द्वितीय श्रेणी अभी भी रिजर्व कैटेगरी के रूप में ही बुक हो रही है। बहुत सारी ट्रेनें जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनमें यात्रियों को सेकंड सीटिंग की यात्रा के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए संक्रमण की गति काफ़ी धीमी हो चुकी है, इसके लिए सभी क्षेत्रीय मुख्यालय के नाम पर जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें रेलगाड़ियों में अनारक्षित और आरक्षित सेकंड सीटिंग व्यवस्था को संक्रमण काल के पूर्व स्थिति में पुनर्स्थापित करने के आदेश जारी हुए हैं। इसको पुनर्स्थापित होने की तिथि यानी कि कल से एडवांस रिजर्वेशन पीरियड नो बुकिंग डेट यानी कि 28 फरवरी से 120 दिनों के बाद जो कि 28 जून के बाद की तारीख आती है उसके आसपास से यह लागू होगी। इसे हम 1 जुलाई भी मान सकते हैं। इस स्थिति में 28 जून के बाद से ज़्यादातर ट्रेनें जो हॉलीडे स्पेशल नहीं हैं उन गाड़ियों में सेकेंड सीटिंग अनारक्षित के रूप में चालू हो जाएंगे तथा लोग सामान्य टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। वर्तमान में जो गाड़ियां अभी वर्तमान में हॉलीडे स्पेशल विशेष श्रेणी में चलाई जा रही हैं या जिनके आगे जीरो लगा हुआ है, जिनमें सेकंड सीटिंग रिजर्वेशन जारी है, उनमें विशेष किराया श्रेणी और सेकंड सीटिंग आरक्षण की व्यवस्था जो है क्षेत्रीय रेलवे अपने ऊपर निर्धारित कर सकता है। वे चाहे तो उनमें छूट दे सकते हैं, अनारक्षित कर सकते हैं या फिर आरक्षित रूप में ही चला सकते हैं। साथ ही इस बीच यदि कोई गाड़ी पुरानी रिस्टोर की जाती है तो वह उसी तारीख से जहां जिस तारीख को रिस्टोर हो रही है उस तारीख से ही उसमें जो अनारक्षित कोच की व्यवस्था है वह शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका एडवांस रिजर्वेशन पीरियड वगैरह का चक्कर तो नहीं रहेगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि इंदौर भोपाल नाइट एक्सप्रेस गाड़ी है, यदि वह उस ट्रेन के जनरल कोचेस में यात्रा करने के लिए जिस दिन वह गाड़ी शुरू हो रही है हमें आरक्षण नहीं कराना होगा, क्योंकि वह गाड़ी पहले भी अनारक्षित के रूप में चलाई जाती थी, तो वह उस तारीख से रिस्टोर होगी, उसी दिन से उसमें आप अनारक्षित यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान में चल रही गाड़ियां हैं उनके एडवांस रिजर्वेशन की पीरियड की अवधि जो 120 दिन होती है आज से, उस दिन के पश्चात से उस ट्रेन में अनारक्षित टिकट शुरू होंगे, यानी कि आज की तारीख से 120 दिन के बाद आप अनारक्षित यात्रा लंबी दूरी की गाड़ियों में भी कर पाएंगे। यह इस सर्कुलर का सार हमें समझ में आता है। हमें थोड़ी और प्रतीक्षा करना होगी ताकि इसके बारे में स्थिति क्लियर हो जाए। आप सभी का धन्यवाद।